अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6। राइट डिटेल आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर 6 एंजाइम इज व्हाट आर एंजाइम। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर डिफाइंड एज बायोकैटलिस्ट प्रोटीनियस इन नेचर विच फैसिलिटेट केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग activation energy, or the molecules which facilitate biochemical reactions by reducing activation energy is called enzymes. Enzymes क्या होते हैं? Biocatalyst होते हैं जो कि आपके जो living molecules होते हैं उनके ऊपर act करते हैं, उनको तोड़ते हैं, proteinaceous होते हैं, protein in nature होते हैं, और वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रन करवाने के लिए उसको कम कर देते हैं। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स आर शेप ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट मेड अप ऑफ मोस्टली अमाइनो एसिड्स प्रोटीन एंड देयरफॉर थ्री डायमेंशनली फोल्डेड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स विद अ स्पेसिफिक शेप। This shape is determined by the sequence of amino acids held together by bonds, for example, hydrogen bond. So the shape of enzymes are three-dimensionally folded chains. आपकी जो amino acids होते हैं, जो आपकी enzymes होते हैं, वो किससे बने हुए होते हैं? Amino acids से बने हुए होते हैं. What are amino acids? Amino acids are protein in nature. अब इनकी जो शेप है दैट आर थ्री डायमेंशनली फोल्डेड, जिस तरह से मैंने आप लोगों को वीडियो में भी प्रोटीन के शेप्स दिखाए थे, इस तरह से वो थ्री डी जो है वो थ्री डायमेंशनल में जो है वो फोल्ड हुए हुए होते हैं। एक डायमेंशन एक दफा फोल्ड हुआ है, फिर नेक्स्ट उसके दोबारा से फोल्ड हुआ हुआ और मतलब डिफरेंट पोजिशन में फोल्ड हुआ हुआ, और थर्ड जो है उसका तीसरी पोजिशन में तीन अलग अलग डायमेंशन में फोल्ड हुआ हुआ होता है, इसीलिए उसको हम थ्री डायमेंशनली फोल्डेड फोल्ड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अब हमारे जो ये शेप्स होते हैं, जो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से बाइंड हुए हुए होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हुए हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। Enzymes speed up reaction by bringing reactant together and reducing the activation energy required to start the reaction. Because when enzymes bind to substrate, it form enzyme substrate complex and bonding in such a way that it facilitate bond breaking, helping to faster the reaction. वो एनर्जी जो हमें अपने केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करवाने के लिए चाहिए होती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो हमारे सबस्ट्रेट के साथ के बॉन्ड हो जाते हैं और एक बाइंड करके एक बॉन्ड बना लेते हैं। जब वो बाइंड हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो हमारे जो मॉलिक्यूल होता है उसको वो जो है वो कोलाइड करवाते हैं। जब वो कोलाइड होते हैं तो उनका जो बेसिकली जो रिएक्शन होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनकी वाइब्रेशन जो है वो स्पीड अप हो जाती है, तो वो तेज़ तेज़ कोलाइड करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो जो बॉन्ड टूट के जो उन्हें स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो बाइंड होना होता है वो कोलेजन फॉर्म कर लेते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करवाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो कम हो जाती है, वो हमें बहुत कम मिकदार में चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि जब एंजाइम जब हमारे मॉलिक्यूल्स के साथ जाके बाइंड होता है तो वो जो है उनको कोलाइड करवाने लगता है और उनकी वाइब्रेशन जो है वो तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उनका रिएक्शन खुद स्पीड अप हो जाता है और एक्टिवेशन एनर्जी हमें कम चाहिए होती है। नेक्स्ट है कैटलाइज द रिएक्शन। व्हेन एन एंजाइम स्टार्ट्स अ केमिकल रिएक्शन, कैटलाइज द रिएक्शन hence does not utilize itself, which means even single or little amount of enzymes can start a reaction and catalyze fastly. Enzyme का क्या काम होता है कि वो हमारे जो भी molecules होते हैं उनको क्या करता है, वो catalyze करता है, तोड़ता है बीच से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अब एंजाइम क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा, और ब्रेक कैसे होगा कि एंजाइम उसकी वाइब्रेशन एक्टिविटी को स्पीड अप कर देगा।
जब वाइब्रेशन एक्टिविटी स्पीडअप होगी तो दे कोलाइड फास्टली एंड दे उनका जो कॉलिजन का कॉलिजन जो हो रहा है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो रहा है, तो ये स्पीडअप हो जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइम क्या कर रहा है, सिर्फ आपके रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, वो आपके एक्टिव साइट से बाइंड होता है, वो आपके केमिकल रिएक्शन को बूस्ट करता है, ना कि अपने आप को यूटिलाइज करता है। तो इसीलिए एंजाइम अगर बहुत लिटिल अमाउंट में भी आपके मीडियम के अंदर हो तो क्या होता है कि आपका एंजाइम आपकी जो एक्टिविटी को करवानी होती है, स्पीड अप करवानी होती है, तो इफेक्ट ऑफ एंजाइम ऑन एंड प्रोडक्ट। व्हेन एन एंजाइम कैटलाइज अ रिएक्शन इट ओनली स्पीड अप द रिएक्शन फास्टली विदाउट बीइंग इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, सो देयरफॉर देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट। एज आई टोल्ड यू अबव इन द कैटलाइज रिएक्शन द एंजाइम आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर सेल्फ, वो अपने आप को नहीं यूज करता बल्कि वो सिर्फ स्पीड अप करवाता है, फास्ट करवाता है, रिएक्शन को बूस्ट करता है, तो इसीलिए उसका किसी भी एंड प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। नेक्स्ट, सबस्ट्रेट। रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। द एंजाइम अटैच विद सबस्ट्रेट फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एस्केप आफ्टर कंप्लीशन एंजाइम डिटैच्ड व्हाइल प्रोडक्ट इज फॉर्म। आपके सबस्ट्रेट क्या होता है, आपका सबस्ट्रेट वो होता है जिससे एंजाइम जाके रिएक्ट करता है, तो बेसिकली एंजाइम का जो रिएक्टेंट होता है वो ऑब्जेक्ट आप कह लें जिससे जाके एंजाइम हमारा अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और वो रिएक्टेंट हमारा सबस्ट्रेट होता है, और वो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और जब हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है, जो हमारा प्रोडक्ट बनना होता है वो बन जाता है, तो एंजाइम हमारे सबस्ट्रेट से वापस डिटैच्ड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स विच कैरी डिफरेंट चार्जेस नेचर लाइक एसिडिक, बेसिक, हाइड्रोफिलिक, हेंस एक्टिव साइट इज हाईली स्पेसिफिक टू इट्स सबस्ट्रेट। दैट्स वाई अ सिंगल एंजाइम कैटलाइज ओनली अ सिंगल केमिकल रिएक्शन और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन। एग्जाम्पल, प्रोटीज आर द एंजाइम्स विच कैटलाइज द प्रोटीन ओनली, ग्लाइपेज एक्ट्स ऑन लिपिड ओनली। यहाँ पर आपको लिपिड की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है, इसको आप जो है करेक्ट कर लिएगा, LIPID लिपिड only। It means enzymes are bond specific, so lipases can act as ester bond in lipids, fats, substances। अच्छा जी, एंजाइम्स जो हैं वो अपने जो है वो स्पेसिफिक रिएक्टेंट जिसके साथ उनको मिलना होता है वो उनके स्पेसिफिक होता है, मतलब यूनिक होता है। हर एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइट, उसके एंजाइम की शेप जो है वो सेम होता है, लॉक इन की मेथड के थ्रू वो एक दूसरे से जो है वो बाइंड करते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि एंजाइम है प्रोटीएज, वो सिर्फ हमारे प्रोटीन एंजाइम के ऊपर जाके एक्ट करेगा और वो हमारे प्रोटीन को ब्रेक करेगा। ठीक है, अब जो प्रोटीन होगा उसके ऊपर, उसके सबस्ट्रेट के ऊपर एक्टिव साइट होगी जिसमें कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप होगा, इसी तरह प्रोटीएज एंजाइम का उसके रिस्पेक्टिव में एंजाइम का इस तरह का ज्योमेट्रिकल शेप होगा कि वो जाके हमारे सबस्ट्रेट के प्रोटीन एंजाइम पे जाके अटैच हो जाए, बाइंड हो जाए, और जो है उन लॉक इन की मेथड के थ्रू जो है वो एक दूसरे से जाके बिल्कुल बाइंड हो जाते हैं। इस तरह से हम कहते हैं कि हर एंजाइम जो है उसकी अपनी स्पेसिफिसिटी होती है, वो अपने रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट के साथ ही जाके सिर्फ बाइंड करता है। नेक्स्ट है एक्टिव साइट। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम्स when where substrate attaches with enzyme is called active site. The shape site is compulsory to shape of the substances. Active site वही होती है जो हमारे substrate के ऊपर जो एक shape दिया हुआ होता है, जहाँ से enzyme आके bind होता है, that is called active site. Sensitivity of enzyme. They are sensitive to even a minor change in pH, temperature and substrate concentration. Because enzymes are protein in nature, तो हमारे किसी भी pH, temperature या हमारे जो substrate की concentration है उसमें ज़रा भी कोई changes आते हैं तो हमारे enzyme के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट होता है बहुत ज़्यादा, और हमारा जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाता है, वो जो उसकी 3D ज्योमेट्रिकल फोल्डिंग होती है, उसकी 3D जो फोल्डिंग होती है डायमेंशनल उसकी, वो जो है वो अनफोल्ड हो जाती है और हमारा प्रोटीन डीनेचर हो जाता है।
Next is cofactor. Some enzymes require cofactor for their functioning. A cofactor is a non-protein substance which may be organic or inorganic. Zinc, magnesium, manganese, iron, copper, potassium, and sodium are inorganic cofactor. Organic cofactors are nicotinamide adenine phosphate dinucleotide and nicotinamide adenine dinucleotide and फेलविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो इसमें इन्होंने आपको कुछ कोफैक्टर्स बताए एंजाइम के. जो हमारा एंजाइम होता है वो क्या होता है, पहले हमारे कोफैक्टर्स के साथ जो है वो एक तरीके से समझ लो अटैच्ड हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि वो हमारे सब्सट्रेट के साथ बाइंड करता है, और उसकी वजह से हमारे एंजाइम्स की एक्टिविटी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है. ठीक है, तो एंजाइम्स के पास कुछ कोफैक्टर्स होते हैं जो उनसे जो उनके जाके जो है वो बाइंड होते हैं और हमारे रिएक्शन को और अच्छे की तरीके से जो है वो बूस्टअप करवाने में हेल्प करते हैं. अब हमारे जो कोफैक्टर्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं. जैसे हमने पढ़ा प्रोस्टेटिक ग्रुप, और फिर हमने पढ़ा था कि कोएंजाइम ग्रुप. को जो हमने प्रोस्टेटिक ग्रुप पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो वैसे कोफैक्टर्स होते हैं जो हमारे एंजाइम के साथ लूजली जो है वो बाइंड करते हैं. और जो हमने दूसरी टाइप पढ़ी थी हमारे कोफैक्टर्स की, दैट वॉज कोएंजाइम. उसका हमने क्या पढ़ा था कि वो हमारे एंजाइम के साथ जो है वो टाइटली जो है वो बाइंड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी एंजाइम की एक्टिविटी है वो और अच्छे से परफॉर्म होते हैं, वो और अच्छे से फंक्शन करते हैं अपने. तो कोफैक्टर्स बेसिकली हेल्प करने के लिए एंजाइम्स के यूज़ होते हैं. अच्छा, इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, दैट इज़ मेटाबॉलिक पाथवे. मैनी एंजाइम्स वर्क इन अ सिक्वेंशियल मैनर टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट. दिस पाथवे इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक पाथवे. मेटाबॉलिक पाथवे क्या होते हैं, जिसमें हमारी जो है वो एनर्जी जो है वो बन रही हो उस तरह के रिएक्शंस को, उस तरह के जो हमारा एक पाथवे होता है जो चल रहा होता है उसको हम कहते हैं कि भाई इसमें हमारी एनर्जी जो है फॉर्म हो रही है, उसको हम मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं. तो आपका फर्स्ट रीजन जो है वो क्या है, डिफाइन द शेप ऑफ एंजाइम एंड हाउ द नेचर ऑफ एंजाइम इफेक्टेड. आपने पहले बताना है कि एंजाइम का शेप कैसा होता है, और फिर बताना है कि उसके नेचर पे, उसके एंजाइम के शेप पे या उसकी जो वो फंक्शन परफॉर्म करता है उस पे ऐसा क्या चेंज आता है जिससे वो अपना उसका जो शेप है उस पे भी इफेक्ट होगा और जो उसकी फंक्शनिंग है उस पे भी इफेक्ट होगा. तो ये आपने रीज़न लिखना है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में से ही आपको इसका रीज़न मिलेगा, आपको बाकायदा प्रॉपरली इसको बनाना पड़ेगा. नंबर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर. आपके जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक इन नेचर क्यों है, वो मतलब स्पेसिफिसिटी उनके अंदर क्यों है, वो एक ही जगह पे क्यों रिएक्ट करते हैं, तो उसका रीजन देना है. नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाउ इनहिबिटर्स इफेक्ट द केमिकल रिएक्शन. तो जो एंजाइम आपके किस लिए यूज़ होते हैं, कि आपके केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज़ होते हैं, और अगर हमारे एंजाइम्स के साथ इनहिबिटर्स जो हैं वो बाइंड होंगे तो हमारे केमिकल रिएक्शन में क्या चेंज आएगा, उससे क्या जो है वो हमारे केमिकल रिएक्शन में फ़र्क आएगा. तो ये रीज़न आपने लिखना है. ये आप पूरा जब लॉन्ग क्वेश्चन याद करके प्रॉपरली लिखोगे तो आपको ईजिली इसके आंसर्स जो हैं वो मिल जाएंगे. ये आंसर्स आपने क्वेश्चन और आंसर अपने जो जर्नल हैं बायो के उसमें करने हैं, और आप ये बात याद रखें कि आपने ये काम लाजमी करना है, वरना आपको आप लोगों के एडमिट कार्ड्स नहीं मिलेंगे. आप लोग अपने काम की तरफ जो है वो सीरियस हो जाइए. ठीक है, थैंक यू.